गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा बी लॉ का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंट्रोडक्शन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो एक्ट है, जब हम मर्केंटाइल लॉ पढ़ते हैं कंट्री का तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस ये रखता है। हर एक सिटीजन जो कंट्री का है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, टीचर है, आर्टिस्ट है, सिंगर है, एक्टर है, सभी इफेक्ट होते हैं इस एक्ट से। हमारी डे टू डे लाइफ में जो लॉ है लैंड का, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि लॉ हमें कुछ सर्टेन राइट्स देता है एज अ सिटीजन और कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस देता है। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इन राइट्स और ऑब्लिगेशन से। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के ही आए हैं, सर विलियम एंसन ने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव है लॉ का वो क्या है, ऑर्डर मेंटेन करना, क्योंकि एक स्टेट ऑफ ऑर्डर में ही एक जो पर्सन है वो सेफ एंड सिक्योर फील कर सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो यही प्रॉमिस करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रखे जाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सेक्शन 1 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि इस एक्ट को कहा जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ये ऑल ओवर द कंट्री अप्लाई होगा। ये जो एक्ट है वो इनैक्ट हुआ था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 25th अप्रैल 1872 और फोर्स में आया था 1st सितंबर 1872 को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, जो कुछ भी इस एक्ट के प्रोविजंस में लिखा हुआ है वो इफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी स्टैट्यू, एक्ट या रेगुलेशन जो एक्सप्रेसली रिपील्ड ना की गई हो, या कोई किसी भी यूसेज, कस्टम ऑफ ट्रेड या कोई भी इंसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो किसी और दूसरे जो एक्ट्स में प्रोविजंस हैं, कस्टम्स हैं, या कोई और कॉन्ट्रैक्ट है इंसिडेंटल जो है कॉन्ट्रैक्ट से, वो उसके इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब उसके ऑपोजिट वो खड़ा नहीं होगा। डिवीजन क्या है एक्ट का, जब बिगिनिंग में ये एक्ट बना था तो इसका स्कोप बहुत वाइड था, जो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, जो पार्टनरशिप एक्ट था, सभी चीजें इसमें इंक्लूड थी। लेकिन लेटर आगे जाके जो इश्यूज रिलेट करते हैं सेल ऑफ गुड्स से, उन्हें इस एक्ट से निकाल के 1930 में एक अलग एक्ट बनाया गया जिसे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहते हैं। और जो न्यू एक्ट था उसमें 66 सेक्शंस थे। सेम तरीके से पार्टनरशिप एक्ट पहले इसी एक्ट में आता था, लेकिन उसे 1932 में ख़त्म करके एक नया एक्ट बनाया गया, पार्टनरशिप एक्ट अलग से, जिसके 74 सेक्शंस हैं। देन अब देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें थी और अब एट प्रेजेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 1 to 75 बेसिक प्रिंसिपल्स बताते थे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 to 123, इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 to 147, बेलमेंट सेक्शन 148 to 181, एजेंसी सेक्शंस 182 to 238, पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शंस 239 to 266। जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सेक्शन 1 to 75, इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 to 147, बेलमेंट सेक्शन 148 to 181, एजेंसी सेक्शन 182 to 238। कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए ज़रूरी हैं वो हम इस चैप्टर में करेंगे। और ये जो फंडामेंटल टर्म्स हैं वो डिफाइन की गई हैं सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में। सबसे पहली जो टर्म है दैट इज प्रपोजल। प्रपोजल किसे कहते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए डिफाइन करता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बता रहा है, सिग्निफाई कर रहा है
कि वो कोई काम करेगा या कोई काम नहीं करेगा, किस लिए? ताकि जो दूसरा पर्सन है उसकी हामी, उसकी हाँ वो ले सके उस एक्ट के लिए जो वो कर रहा है या जो वो नहीं कर रहा है, उसे हम कहेंगे प्रपोजल। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सेंटेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। एग्जाम्पल, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें हम, अनिल अगर कृष्ण को कहता है कि वो उसका स्कूटर खरीदना चाहता है 5,000 रुपये में, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अनिल प्रपोजल कर रहा है कृष्ण को, प्रपोजल दे रहा है कृष्ण को। दूसरा है हमारा नेक्स्ट जो टर्म आती है, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है वो सिग्निफाई करता है, वो अपनी सहमति देता है उस चीज को, तो हम कहेंगे कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर अनिल के प्रपोजल पर कृष्ण कहता है कि हाँ मैं अपना स्कूटर 5,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, तो हम यहाँ कहेंगे कि जो अनिल है उसने कृष्ण का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट, सॉरी, अनिल जो है उसने कृष्ण का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ द एक्ट कहता है जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रोमिसर, और जो पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रोमिसी। द नेक्स्ट टर्म जो आती है, दैट इज कंसिडरेशन। सेक्शन 2 डी जो एक्ट है का है वो डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। जब जो प्रोमिसर है उसके डिजायर पर, उसकी इच्छा पर जो प्रोमिसी है या फिर जो अदर पर्सन है वो कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, या उसने कुछ किया या कुछ नहीं किया, या प्रॉमिस करता है करने की या कुछ नहीं करने की, तो उस एक्ट को, उसके उस काम को, उसके उस एब्सेंटिस को या उस प्रॉमिस को हम कहेंगे कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर अनिल बाय करता है कृष्ण का स्कूटर 5,000 रुपये में, तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? स्कूटर। जबकि कृष्ण के लिए कंसिडरेशन क्या है? 5,000। नेक्स्ट इज योर, इसी में हम एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ हमने देखा कि वो करता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो नहीं करेगा। जब ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो उसके साथ कंपटीशन में नहीं खड़ा होगा किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में 5 साल तक, और उसके लिए वो उसे 1,00,000 रुपये देता है। बी प्रॉमिस करता है ए को अमाउंट पे करना, तो जो कंसीडरेशन है बी के लिए क्या हुई? कंपटीशन फ्री मार्केट 5 साल के लिए। जबकि ए के लिए क्या कंसीडरेशन हुई? 1,00,000 रुपया जो उसको पे हो गया। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है, दैट इज एग्रीमेंट। सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट डिफाइन करता है हर एक प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कंसीडरेशन बन रहे हैं एक दूसरे के लिए, उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट। एग्जाम्पल, अनिल प्रॉमिस करता है अपना स्कूटर कृष्ण को सेल करने के लिए 5,000 रुपये में, और कृष्ण प्रॉमिस करता है अनिल को कि वो जो पैसा है वो उसे पे कर देगा। तो बोथ प्रॉमिसेस
दोनों जो एक दूसरे ने से प्रॉमिस किए हैं उनको अगर हम इकट्ठे ले आए तो उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर अनिल डिलीवर करता है स्कूटर कृष्ण को और उसके रिटर्न में कृष्ण प्रॉमिस करता है अनिल को कि वो उसे 5,000 रुपये पे करेगा, तो इन प्रॉमिसेस को भी हम कहेंगे एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट, प्रॉमिसेस जो फॉर्म कर रहे हैं कंसिडरेशन या कंसिडरेशन का पार्ट एक दूसरे के लिए, उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर अनिल प्रॉमिस करता है कि वो अपना स्कूटर कृष्ण को किसी एक पर्टिकुलर डेट पे देगा और जो कृष्ण है वो प्रॉमिस करता है अनिल को सेम डे पे कि वो उसे 5,000 रुपये देगा, तो वो दोनों क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी जो एक्ट का है वो डिफाइन करता है वॉइड एग्रीमेंट को कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब जो कानून के द्वारा लागू नहीं है, उसे हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। जैसे सपोज अगर निशांत कहता है अपनी प्रेमिका को नेहा को कि वो उसे हवा में एक महल बना के देगा और नेहा कहती है कि अगर वो ऐसा करता है तो वो पूरी उम्र उसको प्यार करेगी, तो जो एग्रीमेंट है उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, तो उसे हम कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा टर्म दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच जो है वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, किसी एक या एक से ज्यादा पार्टीज के थ्रू, बट जो दूसरी पार्टी है वो उस चीज के लिए रेडी नहीं है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, उसे हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, अहमद बाय करना चाहता है एक यंग हेल्दी घोड़ा बाबू से जो हॉर्स ट्रेडर है, लेकिन बाबू उसे एक बीमार घोड़ा सेल कर देता है ये कह के कि वो जो घोड़ा है वो यंग है और हेल्दी है, तो यहाँ पे एक पार्टी ने, बाबू ने चीट किया अहमद को, तो जो अहमद है वो दुखी पार्टी हुई, उसके साथ धोखा हुआ, तो उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है या दूसरी पार्टी को फोर्स कर सकता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें, उसे हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी जो है एक्ट का वो डिफाइन करता है इसको कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो जाता है टू बी इन्फोर्सेबल, मतलब जिसको इन्फोर्सेबल नहीं करना है, तो वो वॉइड बन जाता है जब वो इन्फोर्सेबल नहीं हो पाता है। जैसे वेनुरा ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी बेटी की शादी करेगा शाना के बेटे के साथ, लेकिन जो उसकी बेटी है वो मैरिज से पहले ही मर जाती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो गया, वॉइड हो गया। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल, प्रताप एक मूर्तिकार है, उसने कमीशन किया दूसरे पर्सन को, बोला कि वो उसे एक मूर्ति बना के देगा 10,000 रुपये के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद प्रताप का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ चले जाते हैं, तो उसका उसकी कला भी गई, तो अब पॉसिबल नहीं है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज प्लेंटिफ, एक पर्सन जो कोर्ट में केस फाइल करता है दूसरे के अगेंस्ट कि इसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज डिफेंडेड, वो पर्सन जिसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया गया है और जिसे अपने आप को प्रूव करना है कि वो गिल्टी नहीं है, उसे हम कहते हैं डिफेंडेड, जिसे डिफेंड करना है अपने आप को कि जो भी चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो गलत है
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, दैट पर्सन इज कॉल्ड द डिफेंडेंट, उसके साथ